हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जूल थॉमसन गुणांक के, जिसे हम कहते हैं जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। इससे पहले मैंने आप लोगों को जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में बताया था। अगर वीडियो आप नहीं देखे हो तो बेसिक सेकंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो जो है वो देख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जूल थॉमसन गुणांक को समझने से पहले आपको जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में समझना काफी जरूरी है। यहाँ पे हम ये भी देखने वाले हैं कि आदर्श गैस का प्रभाव जो है वो क्या होगा जूल थॉमसन इफेक्ट में, वो भी हम इसी इक्वेशन में ही हम आगे देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है म्यू जे टी, तो ये जो म्यू जे टी है उसे ही हम जूल थॉमसन कॉफिशिएंट कहते हैं। इसी के बारे में हम आगे देखेंगे, इसके इक्वल जो है वो क्या आएगा। तो इसके इक्वल जो भी आएगा उसके बाद मैं आप लोगों को इसका डेफिनेशन जो है वो बताऊंगी। पहले हम इसे जो है वो इस इक्वेशन को जो है वो मतलब सॉल्व करेंगे कि म्यू जे टी इक्वल जो है वो क्या होगा। लास्ट में हम लोगों ने कल जो जूल थॉमसन इफेक्ट देखा था उसमें हम लोगों ने लास्ट में ये देखा था डेल्टा एच इक्वल जो है वो जीरो हो रहा था। मतलब जो हमारा सिस्टम हम लोग लिए थे, जो भी हम लोग प्रयोग किए थे, जो हमारा सिस्टम था वहां पे एंथैल्पी परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, एंथैल्पी परिवर्तन वहां पे जीरो था। तो आज हम आगे देखेंगे जूल थॉमसन कॉफिशिएंट में। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जूल थॉमसन प्रयोग में वास्तविक गैस का रुद्धोष प्रसार स्थिर एंथैल्पी पर जो है वो होता है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब हम लोगों ने जूल थॉमसन प्रयोग किया था और किसी गैस को जब हम लोग हाई प्रेशर से लो प्रेशर में डालते थे तो वो जो गैस है वो ठंडा हो जाता था। तो वहां पे जब वो गैस ठंडा होता था तो वहां पे कोई भी एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो नहीं होता था। एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होने का मेन कारण ये था कि वहां से उष्मा का आदान प्रदान जो है वो नहीं हो पा रहा था। मतलब बाहर का उष्मा अंदर नहीं आ पा रहा था और अंदर का जो हीट था वो बाहर नहीं आ पा रहा था। इसलिए ये भी कारण है कि जो एंथैल्पी परिवर्तन था वो बिल्कुल भी वहां पे जो है वो नहीं हो रहा था। मतलब वो जो एंथैल्पी था वो निश्चित था, स्थिर था। अब हम देखते हैं, अतः डीएच एक पूर्ण अवकल या एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। तो इस कारण हम जो एच है उसे पी तथा टी का जो है वो फलन मानते हैं। तो यहाँ पे अब इक्वेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा कि जो एंथैल्पी है वो दाब तथा ताप का जो है वो फंक्शन होगा या फलन होगा। मतलब H जो है वो P और T का जो है वो फंक्शन होगा। P मतलब होगा प्रेशर और T मतलब होगा टेम्परेचर। तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे H इक्वल एफ पी टी। मतलब ये जो H है वो P और T का जो है वो फंक्शन है, इसलिए एफ पी टी हम इसे जो है वो इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम इसे ओपन करेंगे तब हम इसे क्या लिखेंगे, मतलब ये जो चीज है उसे हम इस प्रकार से भी जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे डी एच और सबसे पहले पी के सापेक्ष हम करेंगे एच का। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा डेल एच अपॉन डेल पी, यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग टी लिखेंगे और डी पी हम जो है वो लिख देंगे, प्लस करके लिखेंगे। ये तो पी के लिए हुआ, अब हम टी के लिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डेल एच अपॉन डेल टी, फिर ब्रैकेट में पी लिखेंगे और यहाँ पे जो है वो डी टी लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये चीज जो है वो आपको याद करना होगा और इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। इतना हुआ। अब हम देखते हैं कि डेल एच अपॉन डेल टी इक्वल जो है वो सीपी होता है। सीपी मतलब होता है यहाँ पे डेल एच अपॉन डेल टी पी, तो इसके जगह हम जो है वो सीपी लिख देंगे। तो यहाँ पे हम एज इट इज ये तक ये यहाँ तक तो हम सेम लिखते हैं डेल एच अपॉन डेल पी टी डी पी। यहाँ पे जो डेल एच अपॉन डेल टी पी था उसके जगह हम जो है वो सीपी लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा सीपी डी टी। इतना क्लियर हुआ सीपी डी टी, ये तो हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पे डी एच, मतलब एंथैल्पी हमारा क्या आया था, जीरो आया था, एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो जीरो हो रहा था। तो डी एच का वैल्यू यहाँ पे जो है वो हम जीरो लिखेंगे। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डेल एच अपॉन डेल पी टी डी पी प्लस सीपी डी टी इक्वल जीरो, क्योंकि जीरो एंथैल्पी है, एंथैल्पी का मान वहां क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सीपी डी टी तो यहीं पे रहेगा, इतना जो है उसे हम इस तरफ ले आएंगे। तो जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, माइनस डेल एच अपॉन डेल पी टी डी पी। अब हम देखते हैं आगे क्या करेंगे, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सीपी डी टी अपॉन डी पी। मतलब यहाँ का जो डी पी था वो इस डी टी के जो है वो नीचे आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, सीपी डी टी अपॉन डी पी इक्वल क्या होगा, माइनस डेल एच अपॉन डेल पी टी। ये तो एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे जो डी पी था वो इधर आके जो है वो नीचे आ गया, डी टी अपॉन डी पी। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को। अब हम आगे क्या लिखेंगे,
ये जो आपका डीटी और डीपी था उसे हम डेल टी और डेल पी जो है वो लिख देंगे और ब्रैकेट में हम जो है वो एच लिख देंगे। मतलब जब इसे हम डेल टी और डेल पी लिखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो है वो एच आ जाएगा और ये जो सीपी था इसके जो है वो नीचे आ जाएगा, मतलब माइनस डेल एच अपॉन डेल पी टी तो वैसा ही रहेगा बट यहाँ पे ये जो सीपी है वो नीचे आ जाएगा, तो हम इसे इस प्रकार से जो है वो लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा आया हुआ है डेल टी अपॉन डेल पी एच, इसे ही हम जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं तथा इसे म्यू जे टी से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसके जगह हम म्यू जे टी भी लिख सकते हैं और मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि ये जूल थॉमसन गुणांक है उसे हम म्यू जे टी से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू जे टी इक्वल होगा डेल टी अपॉन डेल पी एच। अब हम आगे देखते हैं तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे म्यू जे टी लिखना है तो यहाँ पे इसे हटाकर हम इसकी जगह म्यू जे टी जो है वो लिख देंगे। तो ये हमारा समीकरण एक बन जाएगा म्यू जे टी इक्वल माइनस डेल एच अपॉन डेल पी टी अपॉन सीपी, समीकरण एक। यहाँ पे आप इसका परिभाषा लिख सकते हो कि स्थिर एंथैल्पी पर गैस को संरंध्र डॉट में से गुजारने पर दाब में एक वायुमंडल की कमी होने से ताप जितना डिग्री नीचे गिरता है उसे जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। जूल थॉमसन इफेक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब हम लोग गैस को किसी संरंध्र डॉट में से होकर के गुजारते थे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में डालते थे, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब हम उसे सप्लाई करते थे तो वो जो गैस रहता था वो ठंडा हो जाता था। तो कितना टेम्परेचर नीचे गिर रहा है उसे हम जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? समीकरण एक हम लोगों ने इसे माना। अब हम आगे देखते हैं, हम जानते हैं कि एंथैल्पी इक्वल क्या होता है, ई प्लस पीवी। इसे हम लिखते हैं एच अपॉन एच इक्वल ई प्लस पीवी, एंथैल्पी का ये जो है फॉर्मूला है। तो समीकरण एक को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि समीकरण ये जो आपका वन आया हुआ है म्यू जे टी इक्वल माइनस डेल एच अपॉन डेल पी टी अपॉन सीपी, उसे हम इसके अकॉर्डिंग जो है वो किस प्रकार से जो है वो लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं H इक्वल क्या होता है, E प्लस पीवी। तो ये जो समीकरण एक था जिसमें ऑलरेडी H जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हो H, तो उसके जगह पे जो है वो H का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। मतलब जैसे कि यहाँ पे डेल H था तो ये हो जाएगा डेल E प्लस पीवी अपॉन डेल P और यहाँ पे आ जाएगा T, और ये जो CP है उसे हम माइनस वन अपॉन सीपी भी जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका क्लियर, ये आपका हो गया समीकरण दो, यहाँ पे बन गया। अब हम आगे देखते हैं, इसे हम जो है वो ओपन कर देंगे। मतलब जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो डेल जो है वो मतलब कोष्टक में ई प्लस पीवी है तो यहाँ पे हो जाएगा डेल ई प्लस डेल पीवी, तो ये हो जाएगा डेल ई अपॉन डेल पी ब्रैकेट में टी, और ये हो जाएगा डेल पीवी अपॉन डेल पी ब्रैकेट में टी। ये आपका बन जाएगा समीकरण तीन। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं क्या होगा। आंतरिक ऊर्जा ई पीवी तथा टी का जो है वो फंक्शन है या फलन है तथा पीवी तथा टी अनाश्रित परिवर्ती है। तो इतना आप डिटेल डीप में डीपली मत जाइए, बस आपको सिंपली यहाँ पे ये करना है समीकरण चार के लिए, बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना डेल ई अपॉन डेल पी, तो इसके ऊपर नीचे डेल वी को जो है वो मतलब यहाँ पे जो है वो लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे डेल ई है तो डेल ई अपॉन डेल वी लिख देंगे, और जैसे कि डेल पी है तो डेल डेल वी अपॉन डेल पी लिख देंगे। मतलब डेल ई के नीचे डेल वी लगा देंगे और डेल पी के ऊपर में डेल वी लगा देंगे और इसे एक दूसरे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे अपन टी, और ये तो एज इट इज जो है वो हम ऐसे ही लिख देंगे। ये आपका बन जाएगा समीकरण चार। अब हम इसे फिर से ओपन कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा डेल ई अपॉन डेल वी टी और डेल वी अपॉन डेल पी टी। मतलब कुछ नहीं किया हम लोगों ने, यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर दिए हैं और यहाँ पे टी टी जो है वो लगा दिए है, बाकी एज इट इज आपका सेम रहेगा, समीकरण पांच बन गया। अब आदर्श गैसों के लिए डेल ई अपॉन डेल वी टी इक्वल जो है वो जीरो होगा। मतलब जो आदर्श गैस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि आदर्श गैस का मान यहाँ पे जो है वो क्या होगा, यहाँ पे क्या व्यवहार प्रदर्शित करेगा, तो डेल ई अपॉन डेल वी टी का मान यहाँ पे जो है वो जीरो होगा। ये आपका समीकरण छह बन जाएगा। समीकरण पांच के कोष्टक में पहला पद जो है वो जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ये जीरो होता है तो ये भी जो है वो जीरो ही हो जाएगा, जीरो इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल पी भी जीरो ही होगा। मतलब ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे जो है वो जीरो हो जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पूरा ये जीरो हो जाएगा, केवल यहाँ पे डेल पीवी अपॉन डेल पी टी केवल यहाँ पे बच जाएगा लास्ट में। तो समीकरण पांच में हम देखते हैं, मतलब आदर्श गैसों के लिए स्थिर ताप पर पीवी इक्वल स्थिरांक, तो समीकरण पांच में इसके इक्वल भी जो है वो जीरो ही आएगा और लास्ट में फिर म्यू जेटी इक्वल भी जीरो जो है वो हो जाएगा। तो लास्ट में हमें ये पता चलता है कि जो आदर्श गैसें होती है वो जब हमसे जूल थॉमसन इफेक्ट पर इसका प्रयोग करते हैं तो उसका वैल्यू जो है वो जीरो आता है। कहने का मतलब है कि आदर्श गैस का कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। अगर हम आदर्श गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में भेजते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो नहीं गिरता है, उसका उस पर जो है वो कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आदर्श गैस का जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा कि आदर्श गैसों के लिए जो है वो इसका मान जो है वो जीरो आ रहा है। तो ये हुआ गाइस आप लोगों का जूल थॉमसन गुणांक, जिसे हम कहते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।